ये राक्षस बहुत डेंजरस है, ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है, ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। ऐसा ही समझो तो क्या, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशी या दादा, साला हमारे अखाड़े में आके हम ही को चुनौती की चला गया। इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। गौरी,
ओ गौरी। हाँ दीदी, क्या हुआ? आजकल बहुत बूझी बूझी रहती हो, क्या बात है? काशी सनबन हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं दीदी। तुम तो कह रही थी काशी घर आने वाला है, कब आ रहा है वो? वो नहीं आएगा दीदी, नहीं आएगा। क्यों? उसने मुझे क्लब में देख लिया था। तो मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं क्लब में। क्यों क्यों नहीं बताया था? तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अपाहिज बहन को जिंदा रखने के लिए नाच रही हो। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम भी। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, क्यों बर्बाद कर रही हो मेरे लिए अपनी जिंदगी को? काश मैं ही मर जाती तो। ऐसा मत कहो दीदी। गौरी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू काशी को सब कुछ बता दे, वो समझ जाएगा। मुझे विश्वास है वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काशी मेरी बात सुनो। अब सुनने को रहा क्या है, जो देखा वो काफी नहीं? अब जो भी नई कहानी है इन्हें सुनाओ, भोले हैं यकीन कर लेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सच क्या है। चंद्रू की वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई। मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, मगर तुम्हें खो देने के डर से मैं चलती हूं काशी। मैं बाबू जी को कल बनारस लेकर जा रहा हूं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। वो चाहते हैं कि उनके बचे हुए दिन वो शांति से गुजार सके। मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने, चलोगी ना मेरे साथ? शिव, मैं तो कहता हूं कि तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। पिताजी अभी ये दुकान उकान का फैसला होना है ना, और फिर मुन्ने का स्कूल भी है, मैं अभी नहीं आ सकता। अच्छा भैया, कहा सुना, माफ करना। अरे ऐसा क्यों कहता है? अरे देख, यहां सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना, मैं बुला लूंगा तुझे फिर से। तू भी तो, क्या जरूरत थी तुझे कातिया से उलझने की? फिर से चुपचाप रहता तो फिर क्या करता, गुलामी करता, तलवे चाटता उसके। देख तू फिर से गुस्सा कर रहा है, तुम्हारी यही आदत मुझे। ठीक है शिव, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, जाते हुए झगड़ा नहीं करते। जरा बहू का और मुन्ने का ख्याल रखना। मुन्ना तू मेरे पास बनारस में आएगा ना? जीते रहो। काशी, 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 काशी
छोड़ दो, मेरे काशी को मत मारो, मेरे काशी को मत मारो। जेना गातिया गातिया नहीं नहीं तेरा बाप कुत्ता है। देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता, सजा नहीं। तेरी सजा ये है, ये देखो इसे, ये है तेरी सजा। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। जब थक जाए तो कात्या के दरवाजे पे आना, रहम आ गया तो कात्या तुझे मौत भी दे देगा। जा कुत्ते, अपने पिल्ले के पास जा। अब जी।